हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द चैनल ऑल्टर योर सेल्फ। स्वागत है आप सभी का। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिट। रिट क्या होती है, किसके पास अथॉरिटी है रिट को इश्यू करने की, जो रिट को इश्यू करने की जिनके पास अथॉरिटी है वो अथॉरिटी कौन से आर्टिकल में मेंशन है, हैबियस कॉर्पस क्या होता है, और हैबियस कॉर्पस को हम रियल एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। रिट क्या होता है, अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो रिट एक कमांड होती है। ठीक है, ये एक ऑर्डर होता है, एक फॉर्मली रिटन ऑर्डर होता है जो कि इश्यू किया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। सो व्हाट इज रिट, रिट क्या होता है, रिट एक औपचारिक रूप से लिखा गया ऑर्डर होता है। ठीक है, जो कि इश्यू किया जाता है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं आगे। अच्छा, आप लोगों ने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 आर्टिकल तक मेंशन है। ठीक है, अच्छा आपको पता है ये जो रिट है ये फंडामेंटल का ही एक पार्ट है, मतलब फंडामेंटल्स में ही रिट मेंशन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे फंडामेंटल्स में कहाँ रिट मेंशन है। फंडामेंटल राइट्स में जो रिट है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आ रहा है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 32 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। ठीक है, अब जो हम आर्टिकल 32 की बात कर ही रहे हैं तो देखते हैं आर्टिकल 32 क्या है, क्या कहता है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 कहता है कि कोई भी सिटीजन जिसके पास भी इंडिया के सिटीजनशिप है, यहाँ हम उनकी बात कर रहे हैं, तो कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर उसके राइट का वायलेशन होता है, कोई भी पर्सन अगर उसके राइट का वायलेशन होता है तो उसके पास ये राइट है कि वो किसी भी कोर्ट में जा करके रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल मेंशन है, ये आर्टिकल 32 में मेंशन है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जैसे कि आप लोगों को पता चल गया यही इनके पास ही अथॉरिटी होती है रिट्स को इश्यू करने की। सो ये इनकी जो ये अथॉरिटी है ये कौन से आर्टिकल मेंशन है, इनके पास जो ये पावर है ये कौन से आर्टिकल मेंशन है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो ये पावर है, जो इनके पास ये अथॉरिटी है रिट्स को इश्यू करने की, ये आर्टिकल 32 में मेंशन है। वहीं अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो उसकी ये जो अथॉरिटी, उसकी ये जो पावर है ये आर्टिकल 226 में मेंशन है। ठीक है, ये लोग, ये जो है इसमें 5 रिट्स आ रही हैं हमारी इसके अंतर्गत। आज जो हम बात करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ हैबियस कॉर्पस की बात करेंगे। ठीक है, तो जो हैबियस कॉर्पस है इसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। तो हैबियस कॉर्पस की नींव 1215 में मैग्ना कार्टा के द्वारा रखी गई थी। अच्छा, क्या आप लोगों को लगता है ये सच में सिर्फ 1215 में ही इसका ओरिजिन हुआ था? बिल्कुल नहीं, इसका ओरिजिन जो हुआ था ये इससे भी पहले से था। ठीक है, हैबियस कॉर्पस जो था ये इससे भी पहले से था, बस ये था कि वो उसको फॉर्मली नहीं लेकर के आया गया कभी। ठीक है, फॉर्मली वो इसमें लेकर के आया गया था, 1215 में लेकर के आया गया था। सो हैबियस कॉर्पस क्या होता है, अगर सीधे शब्दों में समझें तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। तो सीधी भाषा में अगर कहें तो ये क्या है, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष पेश करना, किसी व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष पेश करना। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो ये क्या होता है, एक ऑर्डर होता है जो इश्यू किया जाता है बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर इश्यू किया जाता है टू अ पर्सन, उस व्यक्ति को जिसने डिटेन किया हुआ दूसरे व्यक्ति को, जिसने कैद किया हुआ दूसरे व्यक्ति को, उसको ये क्या किया जाता है, उसको ये इश्यू किया जाता है ऑर्डर। किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। उस ऑर्डर में होता क्या, उस ऑर्डर में ये होता है, उससे ये कहा जाता है जिसको आपने डिटेन करके रखा हुआ, जिसको आपने कैद करके रखा हुआ है उसको कोर्ट के समक्ष पेश करें। ठीक है, अब वो कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है तो क्या होता है, तो कोर्ट डिसाइड करता है वेदर द डिटेंशन इज लीगल और इलीगल। जो ये डिटेंशन है ये लीगल है या इलीगल है ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड कोर्ट करता है। अगर लीगल होता है तो कोई बात नहीं, अगर इलीगल होता है तो उसको फ्री किया जाता है
और जिसने ये डिटेन किया था इस व्यक्ति को, उसको क्या किया जाता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी थी हैबियस कॉर्पस की। अगर अब भी आप नहीं समझे तो एग्जांपल ले लेते हैं, आपका ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने किसी को डिटेन किया हुआ है, ठीक है, अब कोर्ट क्या करेगा, जिसको आपने डिटेन करा है उसने, आपको पता नहीं चल पाया, उसने एक लेटर जो था उसने एक लेटर कोर्ट को लिखा, ठीक है, उसमें बताया कि आपने उसको डिटेन किया हुआ है, तो अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट आपको एक ऑर्डर इश्यू करेगा, ठीक है। उस ऑर्डर में क्या होगा, उस ऑर्डर में ये होगा, वो कोर्ट आपसे कहेगा कि जिस व्यक्ति को आपने डिटेन किया हुआ है उसको आप कोर्ट के समक्ष पेश करें, ठीक है। अच्छा, जो ये व्यक्ति था, ये जिसको डिटेन किया हुआ है, ये व्यक्ति खुद भी ये पिटीशन फाइल कर सकता है, ये रिट की पिटीशन जो है, ये रिट पिटीशन खुद भी फाइल कर सकता है। अगर वो नहीं कर पाता है तो उसका कोई भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, तो वो कोर्ट के समक्ष, आपने जिस व्यक्ति को डिटेन करा हुआ है, आप उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति को जिसको आपने डिटेन किया हुआ था, वो लीगल था या इलीगल था। अगर इलीगल है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उस व्यक्ति को फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी थी हैबियस कॉर्पस की। अब देखते हैं इसको एक रियल एग्जांपल के साथ। ये एग्जांपल है बिहार का, बिहार की हजारीबाग जेल का है ये, ठीक है। वीना सेठी कौन है, ये एक लॉयर है। तो हुआ ये था कि हजारीबाग जेल में 25 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया था, 16 कैदियों को 25 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया था उनको डिटेन किया हुआ था। जिस टाइम उनको डिटेन किया गया था उस टाइम उनकी मानसिक स्थिति नहीं अच्छी थी। तो कोर्ट में क्या, कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया था लेटर के थ्रू कि इनको 25 साल पहले डिटेन किया गया था, उस वक्त इनकी मानसिक स्थिति नहीं अच्छी थी। लेकिन अब इनमें से काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेजॉरिटी में लोगों की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो कोर्ट ने इसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया था और जो भी वहाँ पर उस जो कैदी थे उनको रिहा किया गया था। तो ये जो था, ये वीना सेठी वाला केस था। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। हैबियस कॉर्पस का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। रिट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर जो बाकी के रिट्स हैं इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द सेशन देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।